गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हमने पेरेंटल केयर ऑफ फिशेस में जो स्टडी किया था वो उसकी डेफिनेशन एंड टाइप्स की स्टडी करी थी। आज के लेक्चर में हम उसके टाइप्स की डिटेल स्टडी करेंगे। पेरेंटल केयर में जो फर्स्ट टाइप है डिपोजिशन एग्स इन द सुटेबल प्लेस, इसके अंतर्गत जो फिशेस होती हैं, फिशेस की कई स्पीशीज जो हैं वो एग्स को एक सूटेबल प्रोटेक्टेड प्लेस पे जाके लाई करती हैं। इनके अंदर ये जो फिशेस होती हैं ये कोई भी नेस्ट जैसी कोई स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन के लिए बिल्ड नहीं करती। अगर इनकी टाइप्स की बात करें कि वो एग्स किस तरह से सूटेबल प्लेस पे देती हैं, तो सबसे पहले आता है डिपोजिशन ऑफ एग इन द स्टिकी कवरिंग। वो उन एग्स को स्टिकी कवरिंग में डिपॉजिट करती हैं। कुछ जो हैं फिशेस को एक्वेटिक प्लांट में स्कैटर कर देती हैं, कुछ जो है पिट बनाकर उनको लाई करती हैं, और कुछ स्कैटर कर देती हैं ऑन द ड्राई बायसेल्स, शेल्स ऑफ द बाइसेल्स, जो मोलस्कंस के सेल्स होते हैं उनके ऊपर जाके उनको लाई कर देती हैं। ये चार प्रकार के सूटेबल प्लेसेस है जहाँ पे फिशेज अपने एग्स ले करती हैं। सबसे पहले आता है डिपोजिशन ऑफ एग्स इन अ स्टिकी कवरिंग। इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे सबसे पहले कार्प जो फिश है उसके अंदर एक स्पेशल स्टिकी कवरिंग के अंदर जो कि स्टोन्स एंड वीड्स के साथ अटैच होता है वहाँ पर जाके ले कर देती हैं। यहाँ पे दूसरी जो फिशेज हैं येलो पर्च, ये क्या करती हैं, इन ये अपने एग्स को एक रोप लाइक स्ट्रक्चर जो कि एक लॉन्ग फ्लोटिंग मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर जाके अटैच कर देती हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे दूसरी एंगलर फिश, इसके अंदर एक जिलेटिनस एक्सटर्नल कोट होता है उसके ऊपर जो कि ट्रांसपेरेंट होता है और उसके ऊपर अपने एग्स को लाई करती हैं। फ्लाइंग फिशेस में अगर हम देखें तो इनके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लगती है, जैसे कि डायग्राम में देखने को मिल रहा है। इसके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो किडनी से रिलीज होती है, वहाँ जाके उन एग्स को अटैच कर देती है, और जो कि एक एक्वेटिक सबस्ट्रेटम या एक फ्री हैंडेड होता है और उसके अंदर फ्लोट करता रहता है। दीज आर द स्टिकी सरफेस की का पेरेंटल केयर इसके अंदर पाया जाता है। इसके बाद आता है कि अगर कुछ जो कुछ फिशेज जैसे कि पाइक्स हैं, कार्ब्स हैं, ये क्या करती हैं, अपने एग्स को एक एक्वेटिक प्लांट के स्टेम पे या उसके स्टेम्स या लीव्स के ऊपर जाके अटैच कर देती हैं। ये जो थर्ड टाइप का सूटेबल प्लेस होता है पेरेंटल केयर का, उसके अंदर एक एनाड्रोमस फिशेस जो होती हैं उनके अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर जैसे कि सैल्मन सोलर एसिपेंसर्स, ये क्या करती हैं, एक पथरीली जगह पर वहाँ पे एक गड्ढा खोती है और वहाँ पे जाके अपने एग्स को ले करती हैं यहाँ पे, और उस कवरिंग को वो किसी पत्थरों से, ग्रेवल से और से उसे ढक देती है। इस तरह से ही सैंड गोभी जो फिश होती है वो क्या करती है कि एक प्रोटेक्टेड प्लेस पे वहाँ पे अपने अंडों को रखती है और वहाँ पे वो एक एरिएटेड मूवमेंट करती है जिससे कि उस सरफेस पे एरिएशन होता रहे। नेक्स्ट जो फोर्थ प्रकार का प्रोटेक्टिव प्लेस होता है एग देने के लिए वो होते हैं एग डेड शेल्स ऑफ बाइवल्स, मोलस्कंस के जो बाइवल्स होते हैं उनके ऊपर ये अपने एग्स डिपॉजिट करते हैं। ये जनरली साइप्रिड फैमिली के अंदर पाया जाता है, जिसमें यूरोपियन बिटरलिंग फिश जो होती है उसकी फीमेल एक शरीर से एक साइफन लाइक स्ट्रक्चर निकलती है जिसे ओविपोजिटर कहते हैं, जिनसे जो एग्स हैं वो मोलस्कंस के ऊपर आते हैं। उसी वक्त मेल जो है वो अपने स्पर्म जो शेड करता है और उनको फर्टिलाइज करता है। मेल के अंदर एक इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि वो फीमेल को देख के अट्रैक्ट ना होके उस मसल को देख के, इन बाइवल्स को देख कर वो एक्साइट होकर अपने स्पर्म शेड करता है। नेक्स्ट आता है जिसके अंदर टाइप नेक्स्ट टाइप का जो पेरेंटल केयर होती है वो डिपोजिशन ऑफ एग इनटू सेल्फ मेड नेस्ट। इनके अंतर्गत अगर हम देखें तो ये जो जो फिशेस होती हैं ये एक एग्स को एक प्रोटेक्टिव
प्लेस पर रखती हैं और वहीं पे उनका डेवलपमेंट होता है। ये नेस्ट बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं और जनरली मेल्स या दोनों दोनों जो पेरेंट्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो नेस्ट होते हैं ये जनरली छोटे छोटे पत्थर पेबल से बनाते हैं या फिर एक्वेटिक वेजिटेशन से बनाते हैं या अपनी बॉडी के पार्ट्स भी यूज करते हैं इस नेस्ट को बनाने के लिए। इसके अंदर अगर देखें तो इसके अंदर इस प्रकार के नेस्ट पाए जाते हैं जिसमें एक बेसिन लाइक नेस्ट होता है या सर्कुलर नेस्ट होता है या फॉर्नी नेस्ट होता है या होल और बरो नेस्ट होता है। बैरल शेप नेस्ट भी ये फिशेस बनाती हैं। कप शेप नेस्ट की स्ट्रक्चर इसके अंदर दिखाई देती है या ये फ्लोटिंग टाइप ऑफ नेस्ट होते हैं। दीज आर द टाइप ऑफ नेस्ट बिल्ड बाय द फिशेस। इसके अंदर सबसे पहले आता है बेसिन लाइक नेस्ट। इन नेस्ट के अंदर मेल डार्टर जो फिश होती है स्पॉनिंग साइट में जाकर एक जगह बनाती है मेल, उस एरिया को कहते हैं डोमेन, और उस डोमेन के अंदर ये फीमेल को अट्रैक्ट करती है। इस फीमेल डार्टर जो फिश होती है वो इस बेसिन लाइक डिप्रेशन में जाकर अपने एग्स देती है और जिसको मेल जो है वहां पे फर्टिलाइज कर देता है और एक स्टिकी सिक्रीशन वहां पे सिक्रीट करता है जिससे ये जो एग्स हैं वो हैच होने तक वहां पे अटैच रहते हैं। दिस इज द बेसिन लाइक नेस्ट बिल्ड बाय द मेल डार्टर। इसके बाद ये जो इसके अंदर दूसरा एग्जांपल इसके अंदर आता है सनफिशेस जो कि नेस्ट बनाती हैं बेसिन लाइक एट द बॉटम ऑफ द इम्पाउंडेड बाय द केयरफुली रिमूवेड पेबल्स। छोटे छोटे पत्थरों से ये को रिमूव करके बनाती हैं और मेल जो है उसे जब तक उसे गार्ड करता है जब तक कि वो हैच नहीं हो जाती। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल जो हैं वो इस बेसिन लाइक स्ट्रक्चर्स के आते हैं। ये सेकेंड टाइप ऑफ जो नेस्ट का नाम दिया है वो सर्कुलर टाइप ऑफ नेस्ट होता है जो कि मेल बॉमिन फिश के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर जो मेल है वो एक सर्कुलर नेस्ट बनाती है एक्वेटिक वेजिटेशन पे, वहाँ पे फीमेल को इनवाइट मेल जो है फीमेल को इनवाइट करता है, वहाँ पे स्पॉनिंग होती है। फर्टिलाइज एग को प्रोटेक्ट करते हैं मेल्स ओनली इसके अंदर जब तक कि वो हैच नहीं हो जाते। इसके अंदर ये दूसरे टाइप का जो सर्कुलर माउथ है उसके सर्कुलर नेस्ट है उसके अंदर मेल और फीमेल जो है वो कैटफिशेस, मेल और फीमेल कैटफिशेस एवरियस दोनों के दोनों उस एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं इस सर्कुलर नेस्ट को जब तक कि वो हैच ना हो जाए। थर्ड प्रकार का जो नेस्ट होता है वो बरोई नेस्ट कहलाते हैं या होल नेस्ट कहलाते हैं जो कि अमेरिकन लंग फिशेस के अंदर और या ये कहें कि लंग फिशेस के अंदर पाया जाता है। जैसे कि अफ्रीकन लंग फिशेस जो हैं वो एक नेस्ट बनाती हैं स्वामी प्लेसेस ऑफ रिवर बैंक, रिवर साइड के अंदर वो एक डीप होल करके वहाँ पे एक नेस्ट बनाती हैं जिसे एक्वेटिक वीड और ग्रासेस से ढक देती हैं और उसको ओकेशनली इरिटेट करते हैं बाय स्लो बॉडी मूवमेंट। ऐसे ही अमेरिकन लंग फिशेज जो होती हैं उन वो भी इसी प्रकार का नेस्ट बनाती हैं लेकिन उनके अंदर एक लॉन्ग रेड फिलामेंट जो कि पेल्विक फिन से निकलता है जो कि इस एरिएशन का काम करता है। फोर्थ टाइप का जो नेस्ट होता है उसे बैरल शेप नेस्ट कहते हैं जो कि स्टिकल बैक फिशेस के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर जो स्टिकल बैक फिश है वो एक इलेबोरेट नेस्ट बनाती है और जनरली उस प्लेस पर बनाती है जहाँ पे एरिएशन कंटिन्यूस एयर का फ्लो है। यहाँ पे ये जो फिशेस होती हैं वो कलेक्ट करती हैं कुछ फ्रेगमेंट्स फ्रूटलेट्स वीड्स टू बाइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ स्टिकी सिक्रेशन फ्रॉम द किडनी और यहाँ पे ये बहुत सारी एक्टिविटी करता है सच एज प्रोबिंग बोरिंग शकिंग एंड ग्लूइंग जिससे कि वो जो टनल है या जो बैरल है वो एक कॉम्पैक्ट टनल जैसी बन जाती है। इसके बाद ये नेक्स्ट बनाने के बाद वह अपने मेट की तलाश में चला जाता है और जो फीमेल उस नेस्ट के पास आती है तो वो उसके लिए उस एंट्रेंस का एंट्रेंस ओपन करता है और वहाँ पे वो फीमेल 2 या 3 एग्स जो है वो डिपॉजिट कर देती है
और दूसरी साइड से निकल जाती है। इसी प्रकार वह दूसरी फीमेल्स को भी अट्रैक्ट करके वहां पे एग्स डिपॉजिट करने के लिए प्रेरित करता है, और जब तक कि उसके अंदर एक एडिक्वेट अमाउंट में एग्स जमा नहीं हो जाते तब तक ये एक्शन रिपीट रहता है। और उसके बाद वह मेल उस नेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, एरिएटेड करता है, जब तक कि यंग बर्न वहां से नहीं निकल जाते। नेक्स्ट टाइप ऑफ नेस्ट जो होता है वो कप शेप नेस्ट होता है। इसके अंदर जो मेल्स हैं वो रूटेड प्लांट के बॉटम्स में जाके के नेस्ट बनाते हैं। इसके अंदर फीमेल जो हैं वो गुच्छे के क्लचेस में एग्स देते हैं और जो कि एक के बाद एक लाई करते हैं। इसके अंदर एक फीमेल के एग्स देने के बाद सेकंड फीमेल्स उसके ऊपर और एक गुच्छे एग्स को लाई कर देती है। इस तरह से ये जो कप शेप नेस्ट होता है वो मल्टी टायर्ड नेस्ट बन जाता है। दिस इज द फ्लोटिंग टाइप ऑफ नेस्ट। इसके अंदर जो जो फिशेस होती हैं जैसे कि मेल मॉरियर मॉरमेमिट्स फिशेस जो हैं वो एक फ्लोटिंग नेस्ट का निर्माण करती हैं जो कि एक्वेटिक वेजिटेशन से अटैच रहता है। इसके अंदर जो नेस्ट की वॉल होती है वो पानी से या वाटर सरफेस से थोड़ी सी उठी हुई होती है। द लास्ट टाइप ऑफ नेस्ट इज फॉर्मी नेस्ट। इसके अंदर जो अमेरिकन कैटफिशेस होती हैं ये एक जो एग्स है उसका डिपोजिशन बबल्स के अंदर होता है जो कि म्यूकस से बना हुआ होता है। मेल फिशेस जो होती हैं उसके अंदर ये एक बबल्स बनाती हैं अपने अपने स्टिकी म्यूकस से जो कि बबल्स को ब्लो करके बनता है। अपने मुंह से वो बबल्स ब्लो करते हैं और उसके अंदर एक म्यूकस सिक्रीट होता है जिसके अंदर ये एग्स को डिपॉजिट करते हैं और उसको फर्टिलाइज करने के बाद यह तब तक स्टे करते हैं जब तक कि वह हैच ना हो जाए। इसके अंदर ये मेल जो है वो एक तरह से प्रोटेक्टिव गार्ड की तरह इनकी रक्षा करता है। थैंक यू। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में द थर्ड टाइप ऑफ पेरेंटल केयर स्टडी करेंगे। थैंक यू।